हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अंशुमान दीक्षित एक नए शानदार प्रोडक्ट के साथ आपके सामने। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एंड स्पोर्ट्स की एक बहुत शानदार गेमिंग कैबिनेट के बारे में। इस कैबिनेट का मॉडल नंबर है ICE 511 MT मिड टावर मेस गेमिंग कैबिनेट। दोस्तों, मार्केट में अवेलेबल वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग कैबिनेट है ये। जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय ग्रेट फेस्टिवल सेल चल रही है अमेजोन पे। सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ज्यादातर लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम न्यू नॉर्मल बन गया है और हर एक इंसान को अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, जॉब करने के लिए, कुछ ना कुछ काम करने के लिए, गेमिंग करने के लिए, ऑफिस वर्क करने के लिए एक डिसेंट कंप्यूटर या लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है। जिनको हैवी गेमिंग करनी है या जिनका काम थोड़ा ज़्यादा है, यूट्यूबर्स हैं, एनिमेशन का काम करना है, फोटोशॉप पे काम करना है, कोरल ड्रॉ पे काम करना है, वीडियो एडिटिंग का काम करना है, रेंडरिंग करनी है, 4K एडिटिंग करनी है, उन सारे लोगों के लिए एक PC ही बेस्ट होता है। गेमिंग करने के लिए भी PC ही बेस्ट माना जाता है। अगर आपको ऑफिस रिलेटेड हल्के फुल्के काम करने हैं तो आप लैपटॉप पे कर सकते हैं। अभी गेमिंग लैपटॉप काफ़ी सारे अवेलेबल हैं मार्केट में, लेकिन फिर भी वो आपको उतना डिसेंट परफॉर्मेंस, उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे जो कि आपको एक गेमिंग PC दे के। तो इस समय गेमिंग PC बिल्ड करने का बहुत बढ़िया टाइम है। आप अगर यूट्यूबर हैं, आपको अगर हैवी डिज़ाइनिंग, ग्राफिक्स या इस तरह का कोई भी टास्क करना है, इस सेल का फ़ायदा उठा के हम एक बहुत अच्छा गेमिंग PC बिल्ड कर सकते हैं। और मैं आपको कमिंग वीडियोस में उन कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा कि आप कैसे एक वैल्यू फॉर मनी PC बिल्ड करेंगे, बजट रेंज में, मिड रेंज में और टॉप परफॉर्मेंस रेंज में। और तीनों जो PC आपको मैं बताने वाला हूँ कमिंग वीडियोज़ में, वो तीनों वैल्यू फॉर मनी होंगे। सबसे कम पैसे में आपको सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मिलने वाली है, एक बहुत शानदार परफॉर्मेंस मिलने वाली है। इस पर्टिकुलर कैबिनेट को आप उन सारे गेमिंग बिल्ड्स में, उन सारे PC बिल्ड्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को अपग्रेड करना है, अगर आपको उसमें हीटिंग इश्यूज आ रहे हैं, और जनरली अभी तक के कैबिनेट क्या थे, वो फ्रंट में क्लोज होते थे, सिर्फ एक फ़ैन लगा होता था, ज़्यादातर कैबिनेट में कोई मेस डिज़ाइन नहीं होता था, हवा आने जाने के लिए बहुत ज़्यादा वेंट्स नहीं होते थे, बट एंड स्पोर्ट्स ने कैबिनेट को, इस पर्टिकुलर कैबिनेट को एक बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया है। और अगर आप एक वाटर कूलर या कोई बहुत एक्सपेंसिव कूलर ना भी इस्तेमाल करें, तब भी आप इस पर्टिकुलर कैबिनेट की डिज़ाइन से, एयर फ्लो से, आप एक नॉर्मल स्टॉक कूलर से, जो आपको प्रोसेसर के साथ मिलता है, उससे ही आप एक अच्छी लेवल की परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। बेसिकली ये कैबिनेट की खास बात है कि इसमें फ्रंट में 3 RGB फैन लगे हुए हैं, बेसिकली ARGB फैन लगे हुए हैं, और एक बैक साइड में फ़ैन दिया है। ऊपर की तरफ काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दिया है, अगर आप आगे देखें फ्रंट में काफ़ी सारे ग्रिल्स दिए हैं जिससे आसानी से हवा अंदर जा सकती है। ऊपर की तरफ भी आप देख पाएंगे कि एक काफ़ी डिसेंट साइज का ग्रिल दिया हुआ है जिससे हवा आसानी से पास कर सकती है, और साथ साथ सिर्फ हवा जाए, डस्ट ना जाए, उसके लिए उन्होंने मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर भी दे रखा है। पीछे की साइड से इसका व्यू है, काफ़ी अट्रैक्टिव लुक, काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन, और हर तरफ इसमें हवा जाने के लिए, एयर फ्लो के लिए बहुत शानदार ढंग से डिज़ाइन किया गया है। आप इस पर Ryzen 7 Ryzen 9 जैसे हैवी बीस्ट CPU को भी आराम से कूल रन करा सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और मैं आपको ये भी चैलेंज करता हूँ, अगर आप लिक्विड कूलर का नहीं इस्तेमाल करते हैं और अगर आप ओवरक्लॉकिंग नहीं करते हैं, आप नॉर्मल वर्क कर रहे हैं, ओवरक्लॉकिंग नहीं कर रहे हैं और सिर्फ Ryzen 7 Ryzen 9 का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी आपको किसी प्रकार की कोई लिक्विड कूलर की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ये कैबिनेट इतने शानदार ढंग से डिज़ाइन किया गया है। इसमें केबल मैनेजमेंट के लिए भी बहुत अच्छा स्पेस है, आप देख पा रहे हैं केबल मैनेजमेंट के लिए काफ़ी जगह है। PSU श्राउड बना हुआ है, नीचे आप अपने पावर सप्लाई को छुपा सकते हैं, बाहर से फ्रंट पे नज़र नहीं आएगा। एक सेपरेट केबिन बना रखा है, और अगर आप इसमें लिक्विड कूलर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो फ्रंट में आप 120mm, 240mm और 360mm के फैंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेयर में आप 120mm के फैंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें लिक्विड कूलर भी आसानी से फिट कर सकते हैं। अगर आप लिक्विड कूलर के साथ इसको रन करेंगे
आप ऊपर की तरफ 2 RGB फैन लगा सकते हैं। तो अगर आप अपने लिक्विड कूलर को फ्रंट में इंस्टॉल करते हैं तो ये 2 फैन आप ऊपर की तरफ भी लगा सकते हैं। आप इस पर्टिकुलर कैबिनेट में लिक्विड कूलिंग का भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप स्टॉक कूलर से भी अगर रन कराएंगे तो आपको किसी तरह का कोई हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलेगा, बशर्ते आपने कैबिनेट अपनी धूप में ना रख दी हो और आप बहुत ज़्यादा ओवरक्लॉकिंग ना कर रहे हो। और राइजन 9 पे अगर बहुत ज़्यादा आप ओवरक्लॉकिंग कर रहे हैं तो फिर आपको लिक्विड कूलिंग करना मैंडेटरी रहेगा। तो दोस्तों, आपको ये पर्टिकुलर कैबिनेट वैल्यू फॉर मनी देता है, और अगर आप अपना एक पीसी बिल्ड करना चाहते हैं बजट रेंज में तो ये कैबिनेट मस्ट बाई है। अमेज़ॉन पे 4,349 रुपीज़ का अवेलेबल है, और आप लोगों की सुविधा के लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका परचेज़ लिंक दे दूंगा। आप वहां से क्लिक करके इसको आसानी से परचेज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ एंट ने बहुत सारे दूसरे और शानदार कैबिनेट भी ऑफ़र करे हैं। IS 100 TG, ये भी एक अच्छा कैबिनेट है। अगर आपका बजट सिर्फ 2300 रुपये के आसपास है तो आप इसको देख सकते हैं। IS 120 AG, अगेन 2000 की रेंज में अट्रैक्टिव कैबिनेट है। IS 130 AG 2200 रुपये की रेंज में एकदम मॉडर्न लुक, ये आपको ROG टाइप का लुक देता है। और ये बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलर पीसी कैबिनेट है। IS 200 TG 2700 रुपीज़ का आता है सिर्फ, काफ़ी एग्रेसिवली प्राइस्ड है इतने कम रेट में, और आपको इतने सारे फीचर्स ऑफर करता है। मस्ट बाइंग है बजट बिल्ड के लिए ये। अगर आपका बजट 25-30 हज़ार रुपीज़ का है और आप एक पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो आप IS 200 TG को देख सकते हैं। लुक भी काफ़ी अग्रेसिव है, आगे फ्रंट में ग्रिल दिया हुआ है जिससे आप एयर इनटेक ले सकते हैं, और काफ़ी डिसेंट कैबिनेट है। अगेन IS 300 TG 4 फैन के साथ आता है, फ्रंट में 3 RGB और पीछे एक नॉर्मल फ़ैन दिया हुआ है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और IS 400 4 ARGB फैंस के साथ, और ये आपका मॉडल जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे IS 511 MT। तो ये सारे के सारे कैबिनेट बहुत अच्छे हैं, इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर बजट। तो जैसा आपका बजट है, 2000 से स्टार्ट होके ये 4,300 तक जा रहा है, तो आप अपने चॉइस से, आप अपने बजट से, और आप अपनी पीसी के कंपोनेंट्स के हिसाब से इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आप अपनी पीसी में Ryzen 5 3600 या इसके ऊपर का कोई भी प्रोसेसर इस्तेमाल करने वाले हैं, आप अपने बिल्ड में कोई हैवी GPU लगाने वाले हैं, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप IS 500 111 या IS 400 TG या फिर IS 300 के साथ ही जाएं। इसके नीचे वाले कैबिनेट आप ना खरीदें क्योंकि इनमें एयर फ्लो उतना अच्छा नहीं दिया हुआ है। तो Ryzen 7, Ryzen 9 के लिए ये 300, 400 और 511 ही रेकमेंडेड हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और आपको अपने पीसी के लिए कैबिनेट खरीदने में अब काफ़ी सुविधा होगी। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए मैं इसी तरह के और शानदार वीडियोस लेके आता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।